हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही थी मूंग की दाल की खिचड़ी, तो सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये झटपट तैयार हो जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप मूंग की बिना धुली दाल, 2 कप चावल, 1/2 मीडियम साइज अनियन स्लाइस्ड, 1 तेजपत्ता या तेज पत्ता, 1 हरी मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 8 से 9 काली मिर्च, 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची और नमक स्वाद अनुसार, और हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच लहसुन पेस्ट, और उसके अलावा हमें चाहिए होगा ऑयल। तो सबसे पहले हमें कुकर में, जब आपका कुकर गर्म हो जाए तो उसमें डालेंगे हम ऑयल। या आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना आपको डालना है। मैंने ये लगभग 1 चम्मच लिया है बड़ा। और जब आपका तेल गर्म हो जाए, इसको चेक करते हैं, अभी तेल गर्म नहीं है। तो ये हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे स्लाइस्ड अनियन, ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब आप देख रहे हैं कि ये प्याज हमारी ब्राउन होने लगी है। अब इस स्टेज पर हम तेज पत्ता, गरम मसाला, जीरा, हरी मिर्च, सब डाल देंगे। और उसके बाद डालेंगे हम लहसुन। और लहसुन डालने के बाद लहसुन और गरम मसाला हमारा भून गया है। इस स्टेज पर हम डालेंगे पानी, जितने हमारे दाल और चावल मिलाकर थे उससे 1 कप ज़्यादा, यानी हमारे चावल और दाल मिलाकर 3.5 कप था, तो हमने लिया है 4.5 कप पानी। और जिस कप से हमने दाल और चावल नापे थे उसी कप से नाप कर हमने पानी लिया है। इस पानी को हम गर्म होने देंगे। ये दाल और चावल को हमने मिक्स कर धोकर और थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था। और जब आपका पानी खिचड़ी वाला खोल जाएगा तब हम इसमें ये दाल और चावल
मिक्स कर देंगे। ये दाल चावल मिक्स करने के बाद इसमें चम्मच चलाकर और फिर कुकर को बंद करके 3 सीटियां देनी है, और सीटियां देने के बाद हमें इसको खोलना नहीं है, प्रेशर निकल जाने के बाद बंद कर खोलना है। तो यहाँ पर मैंने कुकर बंद कर दिया है और फिर इसके बाद 3 सीटी आने तक हमें इसे पकाना है। छोड़ देंगे प्रेशर निकलने तक। तो ये हमारी खिचड़ी तैयार है, अब हम इसको सर्व करते हैं। तो ये खिचड़ी हमारी तैयार है, रेडी टू सर्व। आप भी ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। थैंक यू।